बिहार में शीत लहर के बीच सियासी कोहरा घना होता जा रहा है। हर तरफ अटकलों का बाजार गर्म है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच गुरुवार देर रात को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान नित्यानंद राय काफी देर तक वहां रुके और उसके बाद वहां से रवाना हो गए। इसके अलावा चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी आज मुलाकात हो सकती है। बीजेपी इस समय बिहार के राजनीतिक हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। वो राज्य में अभी अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ सीएम बनते हैं तो पार्टी का कोई भी नेता नाराज ना हो। नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी की बैठक इसी बात की तरफ इशारा भी कर रही है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने भी यह दावा किया है कि बिहार में 25 जनवरी के बाद बड़ा परिवर्तन हो सकता है। चिराग पासवान और अमित शाह के बीच हो सकती है मुलाकात। बिहार में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से बात भी की है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को दिल्ली में चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान इस समय बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में हैं। वो इस राजनीतिक संकट के दौरान अपने विकल्पों को भी देख रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, आने वाले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम हो सकते हैं। इससे पहले गुरुवार की रात चिराग पासवान ने अपने आवास पर एलजेपी नेताओं की बैठक भी बुलाई थी। इससे पहले घटना में मची राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा आलाकमान ने बिहार भाजपा के नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवास पर जेपी नड्डा के साथ बिहार भाजपा के नेताओं के साथ लगभग 2.25 घंटे तक विचार मंथन किया था। बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के प्रदेश संगठन महासचिव भीकू भाई दलसानिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ साथ कुछ अन्य नेता भी शामिल रहे। लेकिन बैठक के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर पत्रकारों द्वारा लगातार पूछे गए सवालों को टाल दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है।